मेंस मूवमेंट्स इन सार्क कंट्रीज उसके ऊपर बात करनी है फोकस हम पाकिस्तान पे रखेंगे लेकिन बाकी के जो सार्क के ममालिक वहाँ क्या हो रहा है उसका भी हमें पता होना चाहिए सार्क कंट्रीज हैं कौन कौन सी इंडिया बांग्लादेश नेपाल भूटान चार हो गए और मालदीव्स श्रीलंका पाकिस्तान भी है बिल्कुल ओके okay, सो so तकरीबन हो गए पाकिस्तान इंडिया श्रीलंका बांग्लादेश नेपाल भूटान मालदीव्स, ठीक सो so ये जो साउथ एशियन रीजन है आ, ये सार्क कंट्रीज़ कहलाती हैं कोई भी मसाइल हो आपके गिर्द आ, या कोई ऐसी चीज़ जिस पे आपको लगे कि हम सब को हम ख्याल लोगों को मिल काम करना है तो वो जब बहुत से लोग इकट्ठे होते हैं किसी एक मकसद को पूरा करने के लिए या किसी एक मसले को हल करने के लिए और वो बहुत से लोग जब मिल काम करते हैं और मूवमेंट्स जो होती हैं वो आमतौर से वॉल्ट्री होती हैं आजकल के ज़माने में डोनर फंडेड प्रोजेक्ट्स का बहुत रिवाज चल गया हुआ है लेकिन मूवमेंट्स जो होती हैं वो प्रोजेक्ट्स की तरह नहीं होती ठीक ना वो एक मकसद को हासिल करने के लिए शुरू होती हैं और जब तक उनका मकसद वो हासिल नहीं कर लेते तब तक वो काम करते चले जाते हैं चाहे साल लगे चाहे दो लगे चाहे दस लगे चाहे बीस लगे तो औरतों की मूवमेंट्स औरतें किस चीज के ऊपर इकट्ठा होती हैं काम करती हैं सार्क के जो ममालिक वहां पे औरतें जो हैं किन किन मसलों पे या किन किन मकासद के लिए इकट्ठी हुई और काम किया या काम कर रही है उसके ऊपर बात करेंगे और फिर साथ ही पाकिस्तान में क्या हो रहा है औरतों की मूवमेंट्स के हवाले से उस पर भी बात करेंगे ठीक तो सार्क के जो ममालिक हैं वहाँ पर वायलेंस अगेंस्ट वेमेन पे काम करने के लिए सबसे ज़्यादा औरतें इकट्ठी हुई और उन्हें लगा कि नहीं ये जो हमारे साथ जाती होती है ये नहीं होनी चाहिए और हमें मिल इसका कोई हल निकालना है तो वुमेन्स मूवमेंट्स और भी इश्यूज के ऊपर काम कर रही हैं लेकिन सबसे ज्यादा जो कॉमन थीम है वो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन की है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन हो गया दूसरी अगर बड़ी कोई थीम आप देखो तो वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन आ जाती है औरतों की क्योंकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटीज में पॉलिटिक्स में अगर आप देखो तो ज्यादा मर्द आगे आगे होते हैं औरतें या तो बिल्कुल नहीं होती हैं या कम होती हैं तो औरतों ने इकट्ठे होकर ये दूसरी थीम है दूसरे नंबर पे आती है जहां पे उन्होंने कोशिश करनी शुरू की कि औरतों को पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहिए क्योंकि उन्हें ऐसे लगा कि औरतें अगर पॉलिटिक्स में होंगी तो फिर उनके लिए औरतों के मसाइल पे काम करना जरा आसान हो जाएगा उनकी कोई से होगी उनकी कोई आवाज होगी जहाँ पे कानून साजी की जाती है पार्लियामेंट में वहाँ अगर औरतें भी बैठी होंगी मर्दों के साथ तो फिर वो औरतों के हकूक जहाँ पर नहीं मिल रहे वहाँ पे कानून साजी कर सकेंगी उसको इम्प्लीमेंट करवा सकेंगी तो सबसे ऊपर पहली थीम जो है वो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन है दूसरी थीम जो है वो आपकी आ, पार्टिसिपेशन वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिक्स है उसके अलावा भी और बहुत सी हैं लेकिन ये दो मेन हैं और मूवमेंट्स जो हैं उनको अगर आप देखो तो हमने ओवरऑल जनरली तो कह दिया कि ग्रुप बहुत से लोगों का जो एक मकसद या एक मसले के ऊपर काम कर रहे हैं मूवमेंट्स चल रही होती हैं उसमें से कई दफ़ा छोटे ग्रुप्स निकल के अलग हो जाते हैं कोई और काम करते करते उन्हें लगा कि नहीं ये मसला जो है इस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है तो उनका उनकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं तो वो बीच में एक छोटा सा ग्रुप निकलता है वो किसी दूसरे इशू पे काम करते हैं या वायलेंस अगेंस्ट वुमेन जो है वो तो एक बहुत बड़ा सा टॉपिक है ना बहुत वास्ट है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन कोई एक मसला तो नहीं है बहुत से किस्म की वायलेंस होती है डोमेस्टिक वायलेंस हो सकती है सेक्सुअल हरासमेंट हो सकती है आजकल बहुत सुनने में आता है एसिडेंट बर्न क्राइम्स औरतों के ऊपर तेजाब फेंक देते हैं आ, तो जनीना जलाल तो उन्होंने वीडियो पूरी उसकी ना तो इतना ब्रूटली था ये उसको बर्न कर दिया, एक पूरी उस दिया। तो वो अभी जिंदा है माशा बिल्कुल और उसने अपने आप को कैसे, कैसे रिहेबिलटेट किया है ना बहुत अच्छे से किया तो वो वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एक बड़ी थीम उसमें से छोटी छोटी थीम्स निकलती हैं जो दूसरे दूसरे यानी फोकस्ड काम करने शुरू होती हैं और वो ग्रुप निकलता है और वो एक और मिनी आप समझो कि मूवमेंट शुरू हो जाती है और ये भी ज़रूरी नहीं होता कि मूवमेंट जो है वो मुस्किल तौर पे काम करती चली जाए जब मसाइल का जोर ज़्यादा होता है तो सब बहुत एक्टिव हो जाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर मसला हल हो गया या कोई आगे जाने की सूरत नहीं है या जिस भी वजह से बीच में आस्ता हो जाती हैं फिर कुछ ज़्यादा उनको या अपॉरचुनिटी मिलती है या मसाइल बढ़ते हैं तो फिर वो तेज़ हो जाती हैं तो वो इस तरह से जाती हैं कभी बहुत ज़्यादा काम कर रही होती हैं एक्टिवली कभी आहिस्ता आहिस्ता डोमेंट हो जाती हैं तो एक तो इकट्ठे मिलके काम कर रहे हैं और एक ये है कि कभी बहुत ज़्यादा एक्टिव है कभी स्लो डाउन हो गई तो इस तरह से मूवमेंट्स चलती रहती हैं और वो जैसे पानी बहता है ना जहाँ जहाँ रास्ता मिलता है वो चलती जाती हैं अपना रास्ता निकालने क्योंकि उन्हें ये पता है कि हमने पहुँचना कहाँ पर है वायलेंस ख़त्म करनी है या कोई एक खास किस्म की वायलेंस को ख़त्म करना है या औरतों को पॉलिटिक्स में लेके आना है या और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं तो इसके बाद हम अगर सात कंट्रीज में स्पेसिफिकली देख लें कि कौन क्या कर रहा है अगर हम बांग्लादेश को देखें तो वहाँ पर कुछ साल पहले एसिड अटैक्स जो हमारे यहाँ अब जिन पे बहुत काम हो रहा है वहाँ पे औरतों ने मिलके उसके ऊपर काम करना शुरू किया था और इतने अच्छे से काम किया कि सुप्रीम कोर्ट में केस लेके गए और वहाँ पे फैसला करवाया जिसकी मदद से उन्हें फिर आगे कानून साजी में बहुत आ, मदद मिली और कन्विक्शन रेट जो था वो भी उनका बढ़ गया है वहाँ पर एक तहरीक जो चलाई थी औरतों ने उसका नाम था नारी पोको नारी पोको के प्लेटफॉर्म पे सारी औरतें इकट्ठी हुई और एसेड रैक्स के ऊपर उन्होंने काम किया इसी तरह अगर आप नेपाल में जाएं तो आपको पता है कि नेपाल में पहले बादशाहत थी किंग होता था वहां पे, फिर आहिस्ता आहिस्ता वहां पे डेमोक्रेसी आई तो वो जो, जो जमाना था वहां पे औरतों ने औरतों की पॉलिटिक्स में शमूलियत के ऊपर बहुत काम किया और साथ साथ वायलेंस अगेंस्ट वेमेन पे तो वो एक हमें मुल्क नजर आता है जहाँ पे वेमेंस पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन पे बहुत काम हुआ इंडिया जो है इंडिया में भी वायलेंस अगेंस्ट वुमेन पे बहुत सी खुवात की तहरीकें हैं पिछले दिनों आपको याद होगा कि रेप का एक केस हुआ था, था। और जी था। आ, जी वो लड़की एक वो आ, शायद अपने दोस्त के साथ फिल्म देख के आ रही थी और उस पर अटैक किया था और उसके बाद फिर वहाँ की सिविल सोसाइटी जो थी वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई थी और उन्होंने उस पर कानून साजी करवाई और कई और कानून जो औरतों आ, से मुतल थे उसमें अमेंडमेंट्स करवाएं उन्होंने इसी तरह अफ़ग़ानिस्तान जो है अफ़ग़ानिस्तान वायलेंस अगेंस्ट वूमेन पे काम कर रहा है उनके यहाँ तो पोलिटिकल के बाद हालात इतने बुरे रहे हैं कि उसमें फिर औरतों के साथ और ज्यादा ज्यादती होने लगती है क्योंकि जब लोग अपने घरों से बेघर होते हैं तो जो लोग इस किस्म के गलत काम करते हैं वो फिर ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं उन्हें पता है कि औरतें जो हैं घरों से निकली हुई हैं शायद इतनी प्रोटेक्शन नहीं है वलरेबल ज़्यादा हैं तो वायलेंस अगेंस्ट वमेन के जो केसेस हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं किडनैपिंग्स बढ़ जाती हैं सेक्शुअल हरासमेंट बढ़ जाती है रेप बढ़ जाता है तो अफगानिस्तान की औरतें जो हैं वहां की मूवमेंट उन्होंने इकट्ठे होके और वायलेंस अगेंस्ट वूमेन के ऊपर काम शुरू किया तो तो कि 2011 तक क्यों आपको मिली? क्योंकि 2011 में 18वीं तरमीम पास हुई थी और 18वीं तरमीम के बाद कितने लोगों को पता अठारहवीं तरमीम का कुछ कुछ को अठारहवीं तरमीम ने सूबों को बहुत से पावर्स दे दिए थे सेंटर से सूबों को मुंतकिल कर दिए थे बहुत से पावर्स उन्हें कहा कि आप अपने हिसाब से अपने मसाइल का हल निकालो और कानून साजी करो तो औरतें जो हैं वो औरतों के मसाइल जो हैं वो भी सेंटर से सूबों के पास चले गए दो तो हजार के बाद से जुलाई 2011 के बाद से जितनी भी कानून साजी औरतों के हवाले से हो रही है वो सूबों में हो रही है सिंध जो है उनमें सबसे आगे उन्होंने पिछली हुकूमत में ही वायलेंस अगेंस्ट वुमेन वाला जो है वो कानून पास किया था औरतों लड़कियों की किस उम्र में शादी होनी चाहिए वो उन्होंने पास किया तो वो पिछली हुकूमत में ही एटीनथ अमेंडमेंट के बाद शुरू हो गए थे लेकिन बलुचिस्तान और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा ज़रा पीछे पीछे है लेकिन वो भी अब अपनी अपनी कानून साजी वो लोग कर रहे हैं आपको पता है कि नाइनटीन में जब प्रेजिडेंटूब का दौर था तो फैमिली लॉज पास हुए थे ठीक है औरतों की मूवमेंट को हम उसका बहुत क्रेडिट नहीं दे सकते क्योंकि वो प्रेसिडेंट यूप जो हैं और उनकी कैबिनेट जो थी वो इस तरह का काम करना चाहते थे अपनी माशरे को अपने सोसाइटी को बेहतर करने के लिए जहां मर्द और औरतें जो हैं वो तकरीबन बराबर बराबरी की तरफ आने लगे 1961 में जो फैमिली लॉज पास हुए थे उसके बाद अगले लॉज कब पास हुए थे किसी को पता है पूरे ग्रुप में से कोई खास औरतों के हवाले से लेजिसलेशन नहीं हुई हदूद ऑर्डिनेंस वगैरह जो बने वो आ, जिया, जिया के दौर में जो थे हाँ और दियत और तो ज्यादातर जो है डाउरी वाला बीच में एक बना था लेकिन मेजर लेजिसलेशन जो है 1961 के बाद 2010 में हुई है थोड़ा 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 कुछ काम होता रहा लेकिन मेजर लेजिस्लेशन आपको 50 साल नजर नहीं आती और जब डिटेल हम पढ़ेंगे मूवमेंट्स की तो उसमें हम इसको तफसील से देखेंगे कि क्यों लेकिन पिछली जो हुकूमत थी उसमें सात प्रो वमेन लॉज पास किए थे उन्होंने अब जो हुकूमत आई अब क्योंकि ये टॉपिक जो है ये सब्जेक्ट जो है ये सूबों के पास चला गया तो सब सूबे अपने अपने तौर पे कवानी पास कर रहे हैं पहले जो दो लॉज पास हुए थे 2010 में वो सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ थे वो जो दो कवानीन थे वो इतने ग्राउंड ब्रेकिंग थे कि हमारे इर्द गिर्द के जो मालिक हैं उन्होंने पाकिस्तान से सीख के अपनी कानून साजी शुरू की थी हमारे दो कानून पास हुए थे सेक्शुअल हरासमेंट के खिलाफ 2010 में इंडिया का जो है सेक्शुअल हरासमेंट का लॉ वो 2013 के दिसंबर में पास हुआ था ठीक है उसके बाद अफगानिस्तान जो है वहां पे एक मूवमेंट शुरू हुई और उन्होंने पाकिस्तान से सीख के कि इन्होंने कैसे कानून बनाया उन्होंने अपने यहां कानून साजी शुरू की आईएलओ जो है वो चाइना के साथ काम कर रही थी वहां पे भी ये मसला है सेक्सुअल हरासमेंट का बहुत ज्यादा तो वो पाकिस्तान से लोग लेके गए थे जो इन्वॉल्व थे इस काम में और उन्हें कहा था कि आपका कल्चर ज्यादा मिलता है यूरोप के नस्पत तो आप उनके साथ हमारे साथ चलो उन्हें बताओ कि आपने इस मसले के ऊपर कैसे काम किया ताकि ये लोग आपसे सीख के करें तो उन्होंने हमारा लॉ लेके थोड़ी सी चेंजेस करके उसको चाइनीज़ में ट्रांसलेट किया था इसी तरह मालदीव्स में जब आ, ये कानून बनाने की ज़रूरत उन्हें महसूस हुई तो उनके साथ जो लोग भी काम कर रहे थे उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ये काम हुआ हुआ है तो आपने जो ड्राफ्ट बनाया वो पाकिस्तान भेजो उनके कॉमेंट्स लेके उनसे सीख के फिर अपना कानून बनाएंगे तो उन्होंने भी पाकिस्तान से सीख के फिर अपना कानून बनाया तो पाकिस्तान जो है इस सिलसिले में बड़े अच्छे तरीके से आगे जा रहा है या कहना चाहिए कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट जिन्हें आप देखोगे कि हर वक्त गालियाँ पड़ रही होती हैं औरतों के हकूक के हवाले से पिछले पिछली हुकूमत का बाई थी 2008 में सात या आठ में आठ से तो पिछले आठ साल सोलह हो गई आठ साल में जितनी औरतों के हकूक के लिए कानून साजी हुई है कभी ना पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुई ना किसी और मुल्क में हुई इतने कम अरसे में इतने सारे क़वानीन पार्लियामेंट अपना काम कर रही है अब हमें अपना काम करना है कि हमें पता हो कि क्या क़वानीन है और हमने उन्हें कैसे इस्तेमाल करना है अगर हम पाकिस्तान की मूवमेंट्स के ऊपर थोड़ा सा और फोकस करें तो आपको ये नज़र आता है कि दहाइयों में अगर इस ज़माने को बांट लें 1947 से लेके अभी तक तो शुरू के 50s और 60s जो थे उस उन दो दहाइयों में एक तरह का ट्रेंड था फिर जैसे जैसे मुल्क के हालात बदले तो औरतों की मूवमेंट्स के ट्रेंड्स भी बदले पाकिस्तान जब बना तो उस वक़्त की कोई खुतिन किसी को याद है कौन कौन थी जिनका नाम बहुत सुनने में आता है बिल्कुल फ़ातमा जना राना लियाकत अली का सबसे ज़्यादा नाम आता है उसके अलावा उन दोनों के अलावा और भी थी कुछ पार्लियामेंट में थी हमारी कुछ और ब्यूरोक्रेट्स की बीवियाँ थीं तो पाकिस्तान बनने के फ़ौर बाद जो मुल्क के हालात थे तो वहाँ पर कुछ इस तरह की ज़रूरत थी कि जो बहुत से लोग इंडिया से पाकिस्तान आ रहे थे उनको रहने की जगह चाहिए थी बच्चों के लिए तालीम की ज़रूरत थी मेडिकल फैसिलिटीज इतनी नहीं थी फिर कुछ लोगों को लगता था कि हमारे यहाँ लाइब्रेज़ नहीं है इतने बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए स्कूल के अलावा लाइब्रेरी भी होनी चाहिए तो ये औरतें जो हैं इन्होंने इकट्ठे होके और ये काम संभाल लिया ये आ, स्कूल्स बनाती थी उन्हें नजर आता था कोई बच्चियों की शादी होने वाली है तो उसका जहेज बना के बच्ची की शादी करा दी फ्री स्कूल्स बनाती थी फिर आ, कमाने के लिए दस्तकारी के स्कूल बनाती थी जहाँ पे बच्चियाँ आके काम सीख सकती थी ताकि कमा सके उन्हें कुछ हुनर आ जाए तो उस जमाने में पहली दो दिहाइयों में जो फोकस था वो सोशल वेलफेयर पे था ठीक है ना जैसे चैरिटी वर्क होता है आप अपने पास से किसी ने पैसे इकट्ठे किए स्कूल बना लिया किसी और ने पैसे इकट्ठे किए किसी का जहेज़ बना लिया कुछ और पैसे इकट्ठे किए एक लाइब्रेरी बना दी या लोगों से किताबें इकट्ठी की और लाइब्रेरी बना ली और किसी ने अपने कमरे में बना ली घर के एक साइड पे कि बच्चे आएंगे यहाँ से किताबें ले जाएंगे अगर थोड़े और पैसे हुए या किसी ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि जी हमारे एक कमरे में आप बना सकते हो या किसी मार्केट में वहाँ के एसोसिएशन ने कहा कि जी हम एक दुकान की जगह जो है वो आपकी लाइब्रेरी को दे देंगे तो वहाँ लाइब्रेरी बन गई तो ये वुमेंस मूवमेंट औरतें इकट्ठी हुई क्योंकि ये प्रोफेशनल औरतें थीं, एजुकेटेड प्रोफेशनल इंडिपेंडेंट औरतें किसी को पता है फातमा जना जो है वो आ, क्या पढ़ी हुई थी वेरी गुड मुझे बहुत देर के बाद पता चला क्योंकि उनके, उनके ज्यादा यही हम सुनने में आता है कि वो कायदे आजम की बहन थीं और सफ़ेद गरारा और कमीज और सर पे दुपट्टा और वो उनके हर जगह साथ, साथ होती थी और अफवाह एक ऑर्गेनाइजेशन थी या मूवमेंट थी औरतों की उसमें वो बहुत एक्टिव थी फिर बहुत बाद में मुझे पता चला कि वो तो डेंटिस्ट थीं उनकी प्रैक्टिस थी इंडिपेंडेंटली रहती थी और फिर कायद अज़म को पाकिस्तान बनाने के प्रोसेस में जब ज़रूरत पड़ी तो उन्हें उन्हें कहा कि जी आप आ जाओ और मुझे आपकी मदद चाहिए और फिर वो उनके साथ रहती थीं और उनके साथ काम करती थी तो राना लियाकत अली जो है उनको भी जब हम बहुत स्टडी करते हैं नज़दीक से तो पता चलता है कि पढ़ी लिखी और बहुत पोलिटिकली एक्टिव थी कई लोग तो जो पुरानों से आप बात करो तो वो कहते हैं कि लियाकत अली खान से ज़्यादा एक्टिव थी वो पोलिटिकली कायदे आजम को जो लेके आए थे इंग्लैंड से पाकिस्तान के आके आप मुस्लिम लीग को हेड करो तो वो भी उसमें भी राना लियाकत अली शामिल थी इसी तरह आ, और भी बहुत सी खवीन थी यू को हेड पाकिस्तानी खुतानी करती थीं या एक खातून थी वो करती थी फिर पार्लियामेंट में हमारे जब औरतों की सीटों की बात हुई तो उसमें भी हमारी खातन थी तो ये पहली देहा, दो दिहाइयों में आ, सोशल वेलफेयर चैरिटी वर्क औरतों के मूवमेंट का फोकस ये था कौन कौन ख़वात थी ऑर्गेनाइजेशन जो मूवमेंट इन्होंने शुरू की तकरीबन सौ औरतें राना लियाकत अली ने पूरे पाकिस्तान से इकठी की उनकी कॉन्फ्रेंस हुई औरतों के मसाइल के ऊपर और उस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर अफवाह बनी थी ऑल पाकिस्तान वुमेन्स एसोसिएशन जो मिल के फिर ऑर्गेनाइज तरीके से ये चैरिटी वर्क किया करते थे या सोशल वेलफेयर का, का काम करते थे इसके साथ साथ पाकिस्तान की एयरफोर्स जो थी एयरफोर्स की औरतों ने कहा कि हम भी अपने तौर पे ऑर्गेनाइज होकर काम कर सकते हैं तो उन्होंने पफवा बनाई पाकिस्तान एयरफोर्स वमेन्स एसोसिएशन तो अफवाह और पफवा जो है ये दो आपको एग्जांपल्स मिलते हैं वुमेन्स मूवमेंट्स के पाकिस्तान बनने के बाद तकरीबन 20 साल तक ये लोग बहुत एक्टिवली काम करते रहे शुरू में बहुत ज्यादा था फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे लोग सेटल होते गए जैसे जैसे हुकूमत स्कूल और हॉस्पिटल बनाती गई फैक्ट्रियाँ वगैरह कुछ कुछ बनती गईं और नौकरियों के उन्हें मौाक़े मिलते गए तो वो फिर ये आहिस्ता आहिस्ता इनकी एक्टिविटीज़ जो थीं वो स्लो डाउन हो गई अभी भी अफवाह है काम करती है लेकिन बहुत ज़्यादा सुनने में नहीं आता जी बिल्कुल है तो वो लाहौर में आपको नज़र आता है कराची में कुछ उनकी एक्टिविटी नज़र आती है लेकिन कम कम है शुरू में जितनी एक्टिव थी क्योंकि जरूरत बहुत ज्यादा थी उस काम की ठीक है बिल्कुल करती हैं बिल्कुल क्योंकि वो खातिन तो हैं ना और जो उन्होंने काम इतने दिल से और इतनी कमिटमेंट से शुरू किया था तो वो छोड़ नहीं दिया अपने अपने तौर पे करती रहती हैं लेकिन मुल्क के हालात बदलते गए और उन हालात की वजह से औरतों की जरूरतें बदलती गईं कि उन्हें किस तरह की सपोर्ट चाहिए ठीक है ना उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता औरतों ने देखा कि जैसे हालात बदले 1950s और 60s में अफवाह ज़्यादा थी और पफवा फिर 70s और 80s में अगर हम आए तो औरतों का फोकस जो था वो औरतों के हकूक के ऊपर और हमारा आइन क्या हकूक देता है औरतों को और वो हकूक उन्हें मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे तो उन्होंने उसके ऊपर काम शुरू किया और 1981 में फिर वैफ बनी वमेन्स एक्शन फोरम उसका किसी ने नाम सुना है हुँ? उनका अभी भी कभी कभी सुनने में आता है तो वैफ जो है वो उन्होंने हकूक़ के ऊपर काम करना शुरू किया और उसके बाद फिर ज़ियाउल हक का दौर आ गया और ज़ियाउल हक के दौर में जो ये हदूद ऑर्डिनेंस की आप बात कर रहे थे और इस किस्म के कानून ने शहादत जब इन्होंने दोबारा से बनाया तो उसमें इन्हें ऐसे लगा कि ये तो इन कवानी की वजह से औरतों के साथ और भी ज़्यादती होने लगी तो हमें इन कवानीन को रोकना है या इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना है तो वो सड़कों पे भी निकली और 12 फरवरी जो मनाते हैं अभी तक वैफ के लोग बाकी लोग भी वो इस वजह से कि वो सड़कों पे निकली थी और पुलिस ने इनको बहुत मारा था और सर भी फटे थे और फिर इन्हें जेल में भी पकड़ के ले गई थी जी आप थोड़ा सा आ, इनके जवाब में। यानी आ, काम एटी वन पे हुआ लेकिन इन खात ने काम जो है वो पहले से शुरू किया हुआ था फिर ऑर्गेनाइज तरीके से अनाउंस अपने आप को 1981 में किया वैफ ने लेकिन जब से सेवेंटीज मिड सेवेंटीज में इन्होंने काम शुरू कर दिया था वैफ में जो औरतें थीं वो ज्यादा अलीट क्लास से थी ब्यूरोक्रेट्स की बीवियाँ थीं या और पढ़ी लिखी लोग ख़वा जिनके नौकरी करना बहुत ज़रूरी नहीं होता लेकिन पढ़ी लिखी हैं समझ है वसाइल इतने हैं कि वो अपना वक्त जो है वो इस तरह के कामों में इस्तेमाल कर सकती हैं तो उन लोगों ने मिड सेवेंटीज़ में काम शुरू कर दिया था फॉर्मली अनाउंस किया था वेमेन एक्शन फोरम 1981 में और जब ये हक के ज़माने में इस तरह के कवानीन बन रहे थे तो उसमें फिर ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गए थे सड़कों पे निकल आए थे क्योंकि इनको आ, लगता था कि इस अगर हम अभी ना बोले और अभी आवाज़ ना उठाई तो हमारे साथ बहुत ज़्यादी हो जाएगी तो वेमेंस मूवमेंट जब पाकिस्तान बनने के बाद शुरू हुई तो सोशल वेलफेयर के हवाले से काम करती रही औरतें बहुत ज़्यादा मूवमेंट की सूरत में उसके बाद जब हालात बेहतर हो गए मुल्क में थोड़ा सेटल डाउन हो गए लोग तो फिर हकूक की बात शुरू हुई और जो मार्शल लॉ था उसके खिलाफ और जो औरतों के खिलाफ कवानी बन रहे थे उस पर काम शुरू हुआ इंडिविजुअल्स क्या क्या काम करते हैं और वो फिर पूरी तहरीक जो होती है मूवमेंट उसके साथ जुड़े हुए होते हैं ठीक है ना अपने तौर पे भी काम कर रहे हैं तहरीक के साथ भी जुड़े हुए हैं और वो तहरीक फिर इसी तरह चलती रहती है बहुत से इंडिविजुअल जो मिल एक मकसद के लिए इकट्ठा काम कर रहे हैं अगर आप एटीज़ का देखें जो दूसरा दौर आया उसमें आ, किसी को याद है कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस थी जैसे पहले दौर में हमने कहा कि अपवा और पफवा सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करते हैं जो दूसरा फेज आया जहाँ हकूक की बात होने लगी उसमें अजोका थिएटर का किसी ने नाम सुना है इन लोगों ने हकूक के ऊपर प्लेज कर करके क्योंकि लोगों को बताने का उन्हें लगा कि ये अगर हम थिएटर करें स्ट्रीट थिएटर तो वो लोगों को उनके हकूक के मतलब बताने का बड़ा अच्छा जरिया उसके बाद लोक रहस्य एक और थिएटर ग्रुप था उन्होंने बहुत काम किया फिर आ, अंजुमन जमहूरियत पसंद खुतिन तायरा मजर अली का नाम सुना किसी ने उन्होंने शुरू की थी और लीड किया वो भी एक उस जमाने की बहुत वेल नोन मूवमेंट का हिस्सा थे और ऑर्गेनाइजेशन बना के मूवमेंट के साथ जुड़ी थी इसी तरह अगर आप सिंध में चले जाओ तो वहां पे सिंधियानी तहरीक थी 1980 में शुरू हुई थी और वहां की एक पॉलिटिकल पार्टी थी अवामी तहरीक उसका वेमेन्स विंग जो था उन्होंने अपने मसाइल लेके और सिंधियानी तहरीक शुरू की थी इसी तरह की आपको और भी बहुत सी मूवमेंट जैसे मैंने कहा ना कि बड़े मकसद के लिए बड़ा ग्रुप काम कर रहा होता है फिर उसमें से एक छोटे ग्रुप को लगता है कि नहीं हमें इस मकसद पे ज्यादा फोकस्ड काम करना है तो वो उस पर काम करना शुरू हो जाते हैं तो सिंधियानी तहरीक थी फिर अगर खुवात देखें आपने बताया उसके अलावा और किसी के जहन में कोई खुतन आती हैं उस जमाने की उस दौर की कौन है सलीमा हाशमी का नाम सुना किसी ने फैज़ अहमद फैज़ की बेटी हैं राइट वो बहुत एक्टिव थी फिर नसरीन अजहर का किसी ने नाम सुना असलम अजहर थे जिन्होंने पाकिस्तान टीवी के आप बाप समझ लो रेडियो टेलीविजन से बहुत ताल्लुक था और उन्होंने बहुत काम किया सारी उम्र उनकी बीवी लेकिन नसरीन अजहर जो हैं ये वैफ की मेम्बर थी शुरू जिन लोगों ने किया उनमें से थी और बहुत काम किया अभी तक करती हैं फिर उसके बाद आ, मदिया गौहर अजोका थिएटर वाले जो हैं फिर पार्लियामेंटेरियंस को अगर देखें तो वैफ की जो ऊपर की क्रीम आप कह लो उसमें से शनाज वजीर अली ठीक है ना पीपल पार्टी के साथ उनका का ताल्लुक है लेकिन वो एक्टिविस्ट हैं वुमेंस एक्टिविस्ट और वैफ की बड़ी पक्की मेंबर इसी तरह लाहौर से निगार अहमद है वो भी जो कोर ग्रुप जिसने शुरू किया था उनमें से हैं तो ये कुछ नाम हैं जो उस दौर के में इन्होंने वैफ बनाई और बहुत ज़्यादा काम किया सड़कों पे आके डंडे खाए और जेलें उसके बाद जब नाइनटीन में वापस डेमोक्रेसी आ गई और औरतों की ऑर्गेनाइजेशन जो थीं वो जो फौजियों के रूल के खिलाफ लड़ रही थीं जब फौजी रूल चला गया तो फिर वो उन्हें लगा कि अब हम क्या करें ठीक है ना उनका फोकस था औरतों के हकूक और फौज के खिलाफ फौज की तरफ से या फौजी हुकूमत की तरफ से जो कवानीन बन रहे थे उस उनको रिजिस्ट कर रही थी और फाइट कर रही थी तो उनके पास एकदम से जो वो काम कर रही थी वो तो ख़त्म हो गया अब क्या करें तो वो जो वैफ की मेंबर्स थी खुवान बहुत सी मेम्बर्स ने अपनी अपनी छोटी छोटी एन बनानी शुरू कर दी पहले भी थी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखो ना या सोशल वेलफेयर जहां पे ये रजिस्टर करते हैं अपने आप को या सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर करते हैं अगर उनके आप रिकॉर्ड उठा के देखो तो 1980s तक तकरीबन तक पूरे मुल्क में 5000 के करीब एनजीओ थी और उसके बाद का अगर आप नंबर देखो तो अब तो वो कई गुना उससे ज्यादा हो गया वह और दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है तो ये ट्रेंड जो है एन बनाने का ये 1980 सॉरी नाइनटीन में शुरू हुआ था ज़िया के दौर के बाद और उन्होंने अपने एन बना के बहुत सी ने औरतों के मसाइल पे काम करना कंटिन्यू रखा और बहुत सी थी जिन्हें लगता था कि नहीं एजुकेशन यू नो आपके दिल के जो नज़दीक होता है मसला या आपके साथ अगर कहीं भी ज्यादती हुई तो आपको लगता है कि नहीं इस ज्यादती के खिलाफ आवाज़ उठानी है और काम करना है तो उन्होंने उसी हिसाब से जो जो मसला उनके दिल के करीब था उस मसले पे उन्होंने अपनी छोटी सी एनजीओ बनाई और काम करने शुरू कर दिया बहुत सी एन जो थी वो बगैर फंडिंग के डोनेशंस ले, ले के काम करती थी फिर आहिस्ता आहिस्ता डोनर्स जो थे वो आ गए और उन्हें ऐसे लगा कि ये बड़ा अच्छा मैकेनिज़्म है कि अगर हम एन के थ्रू पैसा दें ताकि हम सोशल डेवलपमेंट पे काम करें तो वो नाइन्टीज़ में ज़्यादा ये काम शुरू हुआ और अब आपको पता है कि कितना बढ़ गया हुआ है